खबर आजमगढ़ जनपद से, जहां सगड़ी तहसील में कार्यरत लेखपाल विपिन सिंह पुत्र अशोक सिंह, जो की वर्तमान में तहसील क्षेत्र के अशरफपुर गांव में तैनात है, गुरुवार को जैनपुर कोतवाली में प्रार्थना पत्र देकर आरोप लगाया कि अशरफपुर में स्थित पोखरी से सरकार के मंशा के अनुरूप यूपीडा द्वारा मिट्टी निकालने का कार्य करवाया जा रहा था, जिसकी रिपोर्ट उच्च अधिकारियों को भेजी गई थी, जिसको लेकर गांव के ही अब्दुल सलाम पुत्र कामिल द्वारा मना किया जा रहा था। वहीं यूपीडा द्वारा लगभग एक सप्ताह से पोखरी से मिट्टी निकालने का कार्य हो रहा था, जिसको लेकर दबंग द्वारा लेखपाल विपिन सिंह को मारने की कई बार धमकी दी गई, लेकिन उसे नजरअंदाज कर दिया। आगे उन्होंने आरोप लगाया कि 7 अप्रैल को अशरफपुर गांव में था, गांव से दोपहर 1:30 पर बाइक द्वारा घर जा रहा था। इस दौरान अशरफपुर गांव निवासी अब्दुल सलाम पुत्र कामिल द्वारा चार पहिया गाड़ी ऊपर चढ़ाकर मारने का प्रयास किया गया। वहीं अब्दुल सलाम के साथ 3 अज्ञात और लोग थे, जिन्होंने कॉलर पकड़कर गाली गलौज करते हुए जान से मारने की धमकी दी, साथ ही सरकारी अभिलेख छीन कर फेंक दिया गया। लेखपाल ने बताया कि इसके बाद उसने 112 नंबर डायल करने का प्रयास किया, लेकिन उसका मोबाइल भी छीन कर फेंक दिया, जिससे वह टूट गई। वहीं जैनपुर कोतवाली प्रभारी हेमेंद्र सिंह ने बताया आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। सगड़ी आजमगढ़ से राजेंद्र मौर्या की रिपोर्ट।